जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। जी हां दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग के प्रेस्टिंग कैंप के बारे में। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग का प्रेस्टिंग कैंप जो कि आज लगने वाला है, ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के जितने भी अवेलेबल खिलाड़ी हैं सब चेन्नई पहुँच चुके हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग के 5 सबसे खतरनाक खिलाड़ी जिनकी एंट्री बेहद ही खतरनाक हुई है और चेन्नई सुपर किंग के कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर है अजिंक्य रहाणे। बता दें कि अजिंक्य रहाणे जो कि चेन्नई सुपर किंग के कैंप ज्वाइन कर चुके हैं और आज शाम को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर प्रेस्टिंग करते हुए नजर आने वाले हैं अजिंक्य रहाणे। वहीं दोस्तों दूसरी बड़े खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों वह है अंबाती रायडू। बता दें कि अंबाती रायडू का भी बेहद ही खतरनाक एंट्री हुई है। बता दें कि वह भी आज शाम को लगने वाला प्रेस्टिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं दोस्तों तीसरे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों वह है शिवम दुबे। बता दें कि शिवम दुबे भी आज शाम को चेपॉक स्टेडियम में लगने वाला है चेन्नई सुपर किंग के प्रेस्टिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं दोस्तों चौथे खिलाड़ी का बात करें तो दोस्तों वह है मुकेश चौधरी। बता दें कि मुकेश चौधरी का भी एंट्री बेहद ही खतरनाक रहा है। बता दें कि आज चेपॉक स्टेडियम में लगने वाला है चेन्नई सुपर किंग का प्रेस्टिंग कैंप, उसमें हिस्सा लेने वाले हैं मुकेश चौधरी। वहीं दोस्तों पांचवे खिलाड़ी का बात करें तो दोस्तों वह है महेंद्र सिंह धोनी। बता दें महेंद्र सिंह धोनी का एंट्री बेहद ही खतरनाक था और वो भी चेपॉक स्टेडियम में लगने वाला प्रेस्टिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले हैं एमएस धोनी। तो दोस्तों ये 5 खतरनाक खिलाड़ी हैं जिनकी एंट्री बेहद ही खतरनाक हुई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से किसका एंट्री बेहद ही खतरनाक था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।